सो नाउ वी विल लर्न अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम, और उस प्रॉपर्टी को पढ़ने के लिए और क्यों पढ़ेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं कार्बन और उसके कंपाउंड के, कि मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स आर आइदर कार्बन और इट्स कंपाउंड। फ्यूल मतलब वो चीज़ें जिनको हम डे टू डे लाइफ में जलाते हैं और उनका यूज़ करते हैं, लाइक लकड़ी जलाते हैं, सो कोयला जलाते हैं, हाँ, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, एलपीजी गैस, क्या है, दीज आर ऑल फ्यूल्स विच वी यूज इन अवर डे टू डे लाइफ। सो दे आर, मोस्ट ऑफ देम आर आइदर कार्बन और इट्स कंपाउंड, एंड वेन एवर वी बर्न देम, सो द प्रोसेस इज कॉल्ड कंबशन। तो इसको कंबशन को और डिटेल में यदि हम लिखेंगे तो क्या मतलब हुआ, कार्बन इन एंड ऑल अल्ट्रोपिक फॉर्म्स बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट। जब हम कार्बन को हम बर्न करते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा लकड़ी या कोयले को बर्न करते हैं, तो व्हाट इट गिव्स, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड लॉट ऑफ हीट एंड लाइट। फॉर्मूला केमिकली कैसे लिख सकते हैं हम, कार्बन प्लस ऑक्सीजन दे विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट एंड लाइट। एग्जाम्पल के लिए ये जैसे कोई लकड़ी या कोयला जलता है तो आप देखेंगे उसमें से बहुत सारी लाइट भी निकल रही होती है, लॉट ऑफ हीट इज देयर। वेयर एज इफ आई बर्न द कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड एग्जैक्टली सेम वे में, तो मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड ऑल्सो रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग। तो बर्न करते हैं किसी कार्बन कंपाउंड के, सबसे स्मॉलेस्ट CH4 दैट इज कॉल्ड मिथेन, वैन बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट, थोड़ा सा मॉइस्चर भी निकलता है। क्यों निकलता है, क्योंकि इसमें अब हाइड्रोजन आ गया, कार्बन में तो था नहीं, इसलिए खाली CO2 निकल रहा। तो यहाँ पे क्या, कार्बन तो बर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, हाइड्रोजन भी बर्न होकर हाइड्रोजन ऑक्साइड बन गया, दैट इज़ वाटर, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, प्लस हीट एंड लाइट, ये होता ही है। मिथेन गैस आपने देखी होगी बहुत सारे पावर प्लांट्स, मतलब वो होते हैं क्या बोलते हैं, ऑयल रिफाइनरी, आप देखोगे उसमें ना मिथेन गैस निकलती रहती है, वो उसको बर्न करते रहते हैं, आपको ऐसा फ्लेम सा दिखेगा जब भी आप क्या बोलते हैं क्रूड ऑयल को कन्वर्ट करते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ फ्यूल लाइक डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, है ना, तो उसमें जो फ्रैक्शन डिस्टिलाइजेशन कर रहे होते हैं तो उसमें से ना बहुत सारा मिथेन निकलती है, उसको कुछ को तो हम उसको स्टोर कर लेते हैं पर ज़्यादातर को स्टोर नहीं कर पाते हैं, तो जो स्टोर नहीं होती है तो उसको हम बर्न करते हैं। सो दिस इज़ द हाउ इफ़ यू बर्न द मिथेन इट विल एग्जैक्टली लुक लाइक दिस। किसी और कंपाउंड को जलाते हैं, ये क्या कंपाउंड है, टू कार्बन मीन्स इट इथेन, CH3 और 2 दैट मीन्स सिंगल बॉन्ड, OH मीन्स अल्कोहल, सो दिस इज क्या हो गया, इथेनॉल। इथेनॉल को यदि हम बर्न करते हैं इज अ कार्बन कंपाउंड, अल्कोहल फॉर्म है, तो इथेनॉल या अल्कोहल कोई भी ले लो, इसका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी याद भी नहीं है, कोई बात नहीं, जब हम किसी भी अल्कोहल को बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी इतने सारे हाइड्रोजन है, इट विल प्रोड्यूस वाटर, हीट एंड लाइट। इसका एग्जांपल आप घर में, आपने बहुत बार शराब को यदि आप जलाओगे, राइट, आपके पास घर में है सपोज, तो क्या होगा, इफ़ यू बर्न इट विल लुक, इट विल जनरेट हीट लाइक दिस, लॉट ऑफ लाइट, और इसकी हीट जो कि कंपेयर टू मिथेन और ज़्यादा होगी, तो जितनी ज़्यादा कलरफुल लाइट होती जाती है, मीन्स ब्लूइश कलर होती जाती है, दैट मीन्स द डिग्री ऑफ और द टेम्परेचर इज़ वेरी वेरी हाई, जितनी पीली होगी, सो हमने एक बार देखा था ना, पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, कि जैसे जैसे कलर जो है वाइटिश होता जाता है किसी भी फायर का, आग का, तो इसका मतलब द टेम्परेचर इज़ मोर एंड मोर एंड मोर, राइट, ओके। एंड दिस ऑल रिएक्शन, वेदर इट इज कार्बन, कार्बन कंपाउंड्स और अल्कोहल या कोई भी चीज़ को हम जलाते हैं, दीज आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बिकॉज दे आर गेनिंग ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड। सो वी कैन से द गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और दूसरा देखो, ये यदि कंपाउंड है मिथेन या अल्कोहल, बट दे आर लूजिंग ऑल हाइड्रोजन, एज अ रिजल्ट दे आर फॉर्मिंग CO2, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ये हमने पढ़ा था। सो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड वेन वी बर्न दैम, एंड वी ऑब्जर्व कि दे प्रोड्यूस, ऑल ऑफ दैम प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, लॉट ऑफ हीट एंड लाइट। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज जो कंबशन है उसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। अभी तो हमने पढ़ा ही खाली कि बर्न होने पर दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट, और एग्जैक्टली ऐसा होता है कि नहीं होता है, हाथ कंगन को आसी का, लेट्स डू एन एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट।
एक्सपेरिमेंट क्या करना है, यू हैव टू टेक नेप्थोलिन बॉल्स, कैम्फर बॉल्स एंड अल्कोहल, थोड़ा थोड़ा लेना है और वन बाय वन यू हैव टू बर्न देम। नेप्थोलिन बॉल आपके घर में मिल जाती है, ये आप कपड़ों के बीच में रखते हैं सो दैट कीड़े मकोड़े ना पड़े आपके कपड़ों में, राइट। वाइट कलर की बॉल्स होती हैं। कैम्फर मीन्स कपूर की गोलियाँ होती हैं जो आप पूजा में यूज़ करते हैं। अल्कोहल मीन्स शराब, ये आपके घर में मिल जाएगी। सो ऑल दीज थिंग्स यू विल फाइंड इन योर हाउस, और इफ इट इज नॉट देयर गो टू योर लैब एंड डू दिस एक्सपेरिमेंट। थोड़ा छोटा छोटा ले लो एंड बर्न देम। चलो नेप्थोलिन की गोली देखने में कैसी लगती है, ऐसी लगती है, ठीक है। यदि कैम्फर को देखोगे इट विल यू ऐसे स्क्वायर या क्यूबॉइड फॉर्म में आते हैं कैम्फर, जिसको हम पूजा में यूज़ करते हैं। अल्कोहल दिस इज अल्कोहल, शराब शराब मिल जाती है। अब हमको इनको तीनों को वन बाई वन करके बर्न करना है और अपने ऑब्जर्वेंस नोट करने हैं। सो लेट्स बर्न फर्स्ट नेप्थोलिन। देखो नेप्थोलिन वन बर्न की तो देखो ठीक से बर्न नहीं हो रही है, क्या हो रहा है, थोड़ा सा गैस जली बट इट इज़ प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ कार्बन। ये तो वाइट बॉल थी, कार्बन कहाँ से आ गया, ये देखो उसके फ्लेम हल्के से जलते हैं, दिख इतना हम जब तो ऑब्जर्व भी नहीं कर पा रहे, वह पर लिक्विडिफाइड ज़्यादा हो रही है, राइट। सो दिस इज़ हाउ इफ़ यू बर्न नेप्थोलिन इट इज़ प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड सी ओ टू, गैस भी निकल रही है हल्की सी, इसलिए काला हो जा रहा है, राइट। कुछ मॉइस्चर भी निकल रही होगी जो हमको यहाँ विजिबल नहीं हो रही, देख नहीं पा रहे हैं। लेट्स बर्न कैम्फर, कैम्फर को बर्न करके देखते हैं। देखो कैम्फर बर्न हो रही है, कैसे हो रही है, देखो कितना काला 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 निकल रहा है ना, फ्लेम भी देखो दिख रही है, कैसी लग रही है, क्या कलर की फ्लेम है, येलोइश। लेट्स बर्न अल्कोहल, अल्कोहल अभी हमने फोटो देखा था, ये देखो अल्कोहल हमने इस थोड़े कैन में डाली और बर्न की, यू कैन लुक एट द फ्लेम, ब्लूइश कलर का फ्लेम है, राइट। सो आपने तीनों चीज़ों को जलाया, नाउ ऑब्जर्व द नेचर ऑफ द फ्लेम, जो फ्लेम जो जनरेट हो रही है ये क्या है उसका नेचर, एंड नोट वेदर स्मोक इज प्रोड्यूस और नॉट, दिस इज वट यू हैव टू। एक बार और देख लेते हैं पैक में, तीनों को हम एक साथ बंद करते हैं सो दैट आप तीनों को देख पाओ, सबके फ्लेम्स देखो और स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं होता है, ओके। स्मोक पता लगाने का एक और तरीका होता है, प्लेस अ मेटल प्लेट अबाव द फ्लेम, जो ये जल रहा है उसके ऊपर आप मेटल की एक प्लेट रख दो। इज देर अ डिपोजिशन ऑन द प्लेट इन केस ऑफ एनी ऑफ द कंपाउंड, यदि आप इसके ऊपर प्लेट रखोगे तो वो काली पड़ जानी चाहिए, क्या वो काली पड़ रही है और किस में काली पड़ेगी। तो आपने तीनों चीज़ों को जलते हुए देख लिया, लेट्स राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। सो नेप्थोलिन के केस में फ्लेम वॉज मोर और लेस स्टेबल, वेयरस यहाँ पर ज़्यादा अनस्टेबल था, और इसमें तो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल था, कितनी तेजी से जल रहा था, है ना, ओके। इसकी फ्लेम कैसी थी, येलो थी, ये भी येलो कलर में जल रहा था, और ये क्या फ्लेम किस कलर में जल रहा है, ब्लूइश कलर में। सो अल्कोहल जब भी जलेगा तो आपको ब्लूइश फ्लेम दिखेंगे, कैम्फर और नेप्थोलिन हमेशा येलोइश कलर से में जलते हैं, और वैसे तो आप नेप्थोलिन में ज़्यादा पता ही नहीं लगा पा रहे थे, वो इतना फास्ट जल रहा था दिख ही नहीं रहा था हमको, बट यू कैन डू एन एक्सपेरिमेंट। हमने जब इसके ऊपर प्लेट रखी या आप इस ऊपर कुछ भी चीज़ रखी तो उसमें आपको ब्लैक ब्लैक इकट्ठा हो जाएगा, तो इसमें भी ब्लैक हुआ, कैम्फर में भी ब्लैक हुआ, वेयर एज आप देखोगे इसमें ब्लू फ्लेम जब भी हो रहा था दैट मीन्स दैट लिटरली देर इज़ नो डिपोजिशन, कोई डिपोजिशन नहीं हो रहा है, आपको मालूम ही नहीं चलेगा। हाँ यदि बहुत दिन तक रखोगे तो थोड़ा बहुत काला काला होगा, दैट मीन्स दे ऑल्सो प्रोड्यूस कार्बन, तो मतलब ये बहुत अच्छे से फ्लेम जल रहा है। नाउ जो अभी हमने एक्टिविटी की जिसमें हमने तीनों नेप्थोलिन कैम्फर और अल्कोहल को जलाया, तो हमने देखा फ्लेम डिफरेंट कलर के डिफरेंट लेंथ के डिफरेंट टाइप के जले, किसी ने कार्बन का शूट भी जनरेट किया, मीन्स अनबर्न कार्बन भी था उसमें, तभी हमारी प्लेट काली होगी। पर ये हुई क्यों, इसी को हम समझते हैं, क्या इसमें किस चीज़ का रोल होता है, फ्यूल का या किसी और चीज़ का। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम करेंगे क्या कि हम वी विल टेक द बंसन बर्नर, ये आपकी लैब में मिलता है, एंड इन दिस वी एडजस्ट द एयर होल एट द बेस एंड गेट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेम्स, हम एयर को एडजस्ट करके डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेम्स जनरेट करेंगे, मीन्स ऐसे फ्लेम भी या डिफरेंट जो हमने येलोइश देखे, एंड वी विल ट्राई टू ऑब्जर्व कि प्रेजेंस ऑफ स्मोक और किस में स्मोक जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बंसन बर्नर को पहले एक बार समझ लें, इस बर्नर में क्या होता है, एक तरफ से गैस आ रही होती है, सपोज़ कोई एलपीजी गैस है, सपोज़ वो आ रही है, इधर ये नॉब होती है, जैसे आज घर में आपका स्टोव होता है एलपीजी का, उसमें नॉब होती है गैस को रेगुलेट करने के लिए, तो इससे हम गैस की कितनी गैस आनी है उसको हम फ्लेम की गैस की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, मीन्स कितने अमाउंट ऑफ गैस यूज़ करेंगे। जब गैस आ रही होती है तो यहाँ पे ना आप देखोगे ये लंबे लंबे स्लॉट्स हैं,
ठीक है। ये स्लॉट्स किसके हैं कि जब गैस जाएगी तो उसको एयर चाहिए बर्न होने के लिए, एयर यहाँ से इसमें एंटर करेगी। और ये देखो ब्लू कलर और रेड कलर का दिख रहा है, लाइट कलर में दिख रहा है, तो एयर और फ्यूल दोनों मिक्स होते हुए इस ये जो यहाँ से लंबा इतना बड़ा पाइप है इसको बोलते हैं बैरल या चिमनी, इसके अंदर इधर से गैस आई, इस स्लॉट से एयर एंटर की, दोनों इधर से मिक्स होके बाहर निकले, तो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड एयर आ रहा है, उसको हमने इग्नाइटर से या लाइटर से बर्न कर दिया। एक बार जब स्टार्ट कर देंगे तो ये हमारा जलने लगेगा, और जब मैं इस फ्यूल को, इसकी जो एयर है, इस स्लॉट को रोटेट करूँगा इस बैरल के ऊपर, आई कैन रोटेट, द मोमेंट यू विल रोटेट, ये जो स्लॉट का जो जो साइज़ है वो कम ज़्यादा होगा, या तो बढ़ जाएगा उसका साइज़, या उसका साइज़ ओपनिंग बेस साइज मतलब उसकी ओपनिंग, या तो ओपनिंग बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, राइट। तो मीन्स जब बढ़ जाएगी तो एयर का इनटेक बढ़ जाएगा, जब कम हो जाएगी दैट मीन्स एयर का इनटेक कम हो जाएगा। तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम रेगुलेटिंग एयर। तो मैंने गैस को तो एक बार स्टार्ट करके फिक्स गैस को, अब मैं गैस को छेड़ूंगा नहीं, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस इज कमिंग, बट व्हाट आई एम डूइंग, आई एम रेगुलेटिंग एयर और एडजस्टिंग द एयर इस होल से या इस स्लॉट के थ्रू, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इस बैरल पे रोटेट कर रहा हूँ। एज अ रिजल्ट मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो फ्लेम है इसकी लेंथ को मैं कम ज़्यादा या कंट्रोल कर सकता हूँ। अब हमको ये समझना है कि जब मैंने एयर कम की तब इसकी लेंथ क्या होगी, फ्लेम में क्या चेंज होगा, और जब मैंने ज़्यादा एयर दी तब फ्लेम में क्या होगा। और जब आप फ्लेम जलेगी तो आप उसमें देखोगे कि जब इस टाइप का ब्लूइश कलर का फ्लेम जल रहा होगा तो उसमें एक अंदर में एक कोन बन रहा होगा, उसको बोलेंगे इनर कोन फ्लेम के, और फ्लेम के बाहर आपको एक कोन दिख रहा होगा, दैट इज़ कॉल्ड फ्लेम आउटर कोन। दैट मीन्स जो एक बाहर जो गैस है वो बर्न हो रही है, और अंदर से गैस ठंडी हवा जो जो मिक्सचर है वो अंदर आ रहा है, इसलिए डार्क ब्लू है, और जो बर्न हो रहा है वो बाहर में है, तो अंदर से गैस निकल रही है, इसलिए ये आपको दो कोन डिफरेंट कोन दिखते हैं। तो हमको क्या समझना है, हमको ये समझना है कि फिक्स अमाउंट ऑफ गैस देते हैं और एयर को मैं रेगुलेट करता हूँ, तो मेरे फ्लेम के लेंथ में, कलर में, टाइप में क्या चेंज होता है, कम एयर में क्या होता है, ज़्यादा में क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट, फिजिकली करते हैं। तो ये देखो, ये हमने स्टार्ट किया, ये रेगुलेटर देखो इन्होंने कंट्रोल किया, तो ओपनिंग कम से ज़्यादा की जो भी किया, तो आपने देखा फ्लेम की ये चेंज हो गया। अब देखो इसमें इनर दिख रहा है आपको बीच में, और बाहर वाला आउटर कोन, तो इनर कोन और आउटर कोन दोनों विजिबल हैं। अब दोनों जो प्रोसेसेस हैं, जब मैं इसको रेगुलेट कर रहा हूँ तो किस टाइप के फ्लेम जनरेट हो रहे हैं, ऐसे जनरेट हो रहे हैं। देखो लेफ्ट साइड में एक ऐसा हो रहा है, इट इज़ लॉन्गर इन लेंथ, येलो इन कलर, और फ्लेम काफ़ी आपका डिस्टर्ब्ड है, राइट। ओके, राइट साइड में क्या हो रहा है, इट इज़ बर्निंग एंड द फ्लेम इज़ वेरी वेरी स्मूथ, और इसकी आवाज़ सुनते हैं, देखो कुछ आ रही है आपको, फ्लेम की लिटरली कोई आवाज़ सुनाई देखी है। इस साइड चलो माइक्रोफोन लगाते हैं, हेयर राइट साइड में यू कैन हियर लॉट ऑफ साउंड, वेयर लेफ्ट साइड में दो देर इज अ टर्बुलेंस बट देर वर लिटरली नो साउंड। और इसकी फ्लेम क्या है, येलोइश है, लॉन्ग लेंथ का है, ये शॉर्ट लेंथ का है, ब्लूइश इन कलर है, प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ साउंड। सो यू हैव टू राइट योर ऑब्जर्वेशन, द ऑब्जर्वेशन यू हैव टू क्या लिखना है, किसके बारे में लिखा है, वैन डू यू गेट अ येल्लो और सूटी फ्लेम, येल्लो फ्लेम मिला और सूटी फ्लेम मिला, सूटी फ्लेम ही शूट्स जनरेट, शूट्स मतलब होता है अनबर्न कार्बन, अनबर्न कार्बन मतलब यदि मैं इस फ्लेम के ऊपर इसके या इसके ऊपर रखूँगा तो मेरी प्लेट काली हो जाएगी, तो किस में काली होगी, इस लेफ्ट वाले में या राइट वाले में, और कौन सा मेरे को येल्लो है, येल्लो मेरा यही है, दिख ही रहा मेरे को, राइट। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, वैन डू यू गेट अ ब्लू फ्लेम, कब आपको ब्लू फ्लेम मिलेगा, ये वाला ऐसा वाला राइट साइड वाला, या कब मैं ऐसे पूछूँ येलो मिलेगा, वही एक ही मतलब है। येलो और ब्लू का मतलब क्या डिफरेंस है, किसी में हवा ज़्यादा है किसी में हवा कम है, वी आर कंट्रोलिंग एयर नॉट फ्यूल क्वांटिटी। तो इसके अंदर एक्चुअल मान के चलो, सपोज मैं कोयला जला रहा होता तो एनी फ्यूल प्योर कार्बन जलाता, कार्बन को प्योर कार्बन को मैं बर्न करता, राइट, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इट विल जनरेट क्या, फ्यूल्स के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट, ये चीज़ प्रोड्यूस हो रहा था। यदि ये फ्यूल कंपाउंड होता कार्बन का, राइट, तो उसमें क्या होगा, कार्बन कंपाउंड जब जलेंगे हाइड्रोजन होगी, तो ऑक्सीजन बर्न करूँगा क्या प्रोड्यूस होगा, CO2, H2O, हीट एंड लाइट, ये अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। ओके, अब ध्यान से देखो, मैं यदि प्योर कार्बन जलाऊँ या उसका कंपाउंड जलाऊँ, दोनों में रिजल्ट यही जनरेट हो रहा है, बस डिफरेंस इज मॉइस्चर का। बट एक और चीज़ हो रही है, हम इस किसको कंट्रोल कर रहे हैं, फ्यूल की क्वांटिटी को नहीं, हम ऑक्सीजन को कंट्रोल कर रहे हैं, ऑक्सीजन मीन्स एयर का इनटेक,
यही तो है, एयर कंट्रोल कर रहा हूँ उसमें, ऑक्सीजन को कंट्रोल कर रहा हूँ। कैसे? वो नॉब से जो मैंने स्लॉट को रोटेट किया बंसन बर्नर के अंदर। अब मैं यदि इस रिएक्शन को, ये रिएक्शन है जिसमें ये लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट है, दीज आर द प्रोडक्ट, यदि मेरे को ये प्रोडक्ट राइट साइड में मूव करना है तो मुझे जितना फ्यूल है उतनी ऑक्सीजन देनी होगी जलाने के लिए। यदि मैं ऑक्सीजन कम करूँगा तो मेरा फ्यूल क्या होगा? अनबर्न मेरे को मिलेगा, वो डायरेक्ट फ्यूल हो या कार्बन का कंपाउंड हो, कोई भी हो, किसी भी टाइप का फ्यूल हो, तो मेरे को क्या मिलेगी? अनबर्न कार्बन, क्योंकि इसमें जो कार्बन है पूरी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं होगी क्योंकि मेरी ऑक्सीजन कम हो गई। दैट मीन्स जब मैंने बंसन बर्नर में एयर कम की, एयर कम करूँगा तो मेरा फ्लेम क्या होगा? कार्बन अनबर्न होगी, तो मेरे को ब्लैक शूट मिलेंगे। और ब्लैक शूट किस में मिलेंगे? इस येलोइश वाले में। इसलिए ये येलोइश क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा फ्यूल प्रॉपरली बर्न नहीं हो रहा है। बर्न नहीं हो रहा है तो ये लेंथ बढ़ क्यों रही है? क्योंकि वो आसपास की एयर को लेने की कोशिश करेगा, वो यहाँ की जो इसमें जो मिक्स होकर आ रही थी उतने में उसका काम नहीं चला, वो और ऊपर तक उठा, चारों तरफ की जो हवा थी उसको लेने की, उसमें बर्न होने की कोशिश की, बट स्टिल इट वॉज नॉट एबल टू बर्न 100%, क्योंकि जब तक वो ऊपर गया उसका टेम्परेचर फ्लेम का काफ़ी कम हो गया, और जब कम हुआ तो उसमें अनबर्न कार्बन फिर भी रह गई। तो इसलिए मैं जब ऊपर प्लेट रखूँगा उसमें क्या होगा? शूट्स जनरेट होंगे। शूट्स मीन्स काले काला कलर के अनबर्न कार्बन। तो अनबर्न कार्बन क्यों हुआ? क्योंकि ये मेरा रिएक्शन फ्यूल पूरा तरीके से जला नहीं, क्यों नहीं जला? क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं थी। इसको ऐसे समझो, यदि मुझे इस फ्यूल को, मैं आपको बोलूँ स्पेस में ले जाके जलाना है, तो आप जला पाओगे? नहीं जला पाओगे, बिकॉज देर इज़ नो एयर, नो ऑक्सीजन, तो मेरा फ्यूल बर्न ही होगा। और हमने पढ़ा था ना फायर ट्रायंगल, कि हमारे को क्या चाहिए? एयर चाहिए, फ्यूल चाहिए, और जलाने के लिए लाइटर चाहिए। तो हमारे पास लाइटर तो है, फ्यूल भी है, पर वहाँ पे स्पेस में क्या ऑक्सीजन नहीं है, तो फायर ट्रायंगल कंप्लीट ही नहीं हुआ, आग ही नहीं लगेगी। यहाँ से कुछ क्लियर हो रहा है? ओके, अब देखो क्या हो रहा है कि यहाँ से इस नीचे से मिक्स होके आ रही है। क्या मिक्स होके आ रहा है? फ्यूल प्लस ऑक्सीजन पहले से ही मिक्स होके आ रही है। तो हमको यहाँ ऊपर क्या मिल रहा था? हमको यहाँ मिल रहा था फ्यूल प्लस एयर, एयर का मिक्सचर, दैट मीन एयर मीन्स ऑक्सीजन का मिक्सचर। क्योंकि ऑक्सीजन उसमें कम है तो इसको क्या बोलेंगे हम? पुअर मिक्सिंग हुई, मीन्स ऑक्सीजन की कमी है फ्यूल में। जब पुअर मिक्सिंग होगी तो क्या होगा? आपको इस टाइप से वो चलता रहेगा, ठीक है? ओके, और लेस एयर थी। लेस एयर क्यों थी? क्योंकि मेरी नॉब मैंने कम खोली थी, इसलिए था। अब इस बंसन बर्नर में दोबारा एक बार चीज देखो, हम एयर को तो रेगुलेट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? जो सिलेंडर से गैस आ रही है इस वॉल से मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, वेयर एज एयर को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ इससे। पर एयर इसमें पुश कौन कर रहा है? यहाँ तो भाई सिलेंडर था, गैस का सिलेंडर है, उसी से तो ये पाइप में गैस आ रही है, गैस तो पहली प्रेशराइज है, तो प्रेशराइज गैस निकल रही है, पर ये एयर अपने आप कैसे घुस जा रही है इसके अंदर? क्या हो रहा है ऐसा? इस इफेक्ट को बोलते हैं वेंचुरी इफेक्ट। ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे। वेंचुरी इफेक्ट क्या होता है? जब ये जो ये गैस आ रही है, तो ये हमारी गैस है, इसके अंदर देखोगे ना सेंटर में इस जगह पर नीचे, तो आपको ना ऐसे करके दिखेगा। तो हमारी गैस कैसे आ रही है? ऐसे करके इसमें से ऐसे निकल रही है। जब तेज़ी से गैस निकलती है तो हाई प्रेशर से वो तेज़ी से हाई स्पीड से निकलेगी, हाई प्रेशर से आई तो हाई स्पीड से बाहर निकलेगी बहुत तेज़ी से। जब वो बहुत तेज़ी से निकलेगी तो एक वेंचुरी इफेक्ट होता है। वेंचुरी इफेक्ट क्या होता है कि इस जगह पर, बिल्कुल इस जगह पर इसका क्या होता है? लो प्रेशर जनरेट होता है, वैक्यूम जनरेट कर देता है। जब ये वैक्यूम जनरेट करता है तो चारों तरफ क्या है इसके, इस नोजल के, इस बर्नर के बाहर एयर है, तो एयर के ये स्लॉट्स बने हुए हैं, इन स्लॉट्स। तो एयर क्या करती है? वही ये स्लॉट से इसको वैक्यूम में जाने की कोशिश करती है। और ये हमने 9th क्लास में देखा था या 8th क्लास में देखा था ना, 8th क्लास में हमने क्या देखा था? वैक्यूम इज़ वेरी वेरी पावरफुल। बड़ा सा टैंक भी होना और वैक्यूम में रख दो, फट से क्रश हो जाएगा। तो वैक्यूम इज़ मोर पावरफुल देन प्रेशर। तो जैसे ही यहाँ से गैस आई तेज़ी से, स्पीड से जब निकलेगी, तो इट जनरेट हेयर वैक्यूम। इस जगह पर वैक्यूम जनरेट होगा। जब वैक्यूम जनरेट होगा तो चारों तरफ क्या? एयर। और एयर ये स्लॉट इसमें चारों तरफ है, इधर भी है, उधर भी चारों तरफ है। तो जितना स्लॉट खुला होगा तो एयर की उतनी एयर आएगी। मैं स्लॉट कम खोलूँगा तो कम एयर आएगी, कम एयर आएगी तो यहाँ क्या होगा? तो मिक्सचर प्रॉपर नहीं होगा। देखो रेड कलर से हमने गैस दिखाई है, ब्लू कलर से एयर दिखाई है, और देखो यहाँ मिक्स होके ब्लू प्लस रेड मिक्स होके कुछ पर्पल पर्पल कलर हो गया। जैसे ही यहाँ बाहर निकलेगी तो वी विल हैव मिक्सचर ऑफ गैस एंड एयर। यदि यह मिक्सचर ऑफ गैस एंड एयर पुअर मिक्सचर हुआ, मीन्स पुअर मिक्सचर मीन्स एयर की कमी हो गई, राइट? जब एयर की कमी होगी तो फ्लेम क्या होगा हमारा? येलोइश कलर होगा, अनबर्न कार्बन रह जाएगी। अनबर्न कार्बन जो होगी, फ्यूल जो है ऊपर तक जाने की कोशिश करेगा और बाहर की एयर से जलने की कोशिश करेगा, इसलिए लेंथ लंबी हो जाएगी और फ्लेम हमारी एग्जैक्टली ब्लूइश नहीं जलेगी।
दूसरा उसमें आवाज़ आ रही थी, आवाज़ क्या इंडिकेट कर रहा है, हाई प्रेशर से गैस निकल रही है, अब बहुत तेज़ी से निकल रही है, उसमें उतनी हवा नहीं थी, जब इसमें एयर मिक्स हुई तो मीन्स इस जगह से और ज़्यादा होगी, गैस तो आई नहीं प्लस एयर मिक्स हो गई, दैट मीन्स हमारी ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगी, बर्निंग उसी इंस्टेंट में बहुत फास्ट हो रही है, क्लियर। इसी सेम कॉन्सेप्ट ना आपके एलपीजी बर्नर जो होते हैं ना घर में, उसमें होता है, उसमें देखो यहाँ से गैस आती है, इस जगह से गैस आती है, ये गैस कितनी आएगी जाएगी, तो उसमें ऐसी नॉब आपके स्टोव के बाहर यहाँ लगी हुई है, आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, गैस को कंट्रोल कर रहे हो, एयर को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, तो उसमें एयर क्या होता है, देखो ये स्लॉट खुला हुआ है, यहाँ पर ये नोज़ल है, ये दिख रही है छोटी सी येलोइश कलर की, ये छोटी सी है, राइट। तो क्या हुआ, गैस ऐसी आई सीधे यहाँ आके, और यहाँ से ना इसमें छोटा सा होल है, इसमें से निकलती है तेज़ी से, हाई प्रेशर से, जैसे ही इधर आती है तो क्या होता है, चारों तरफ की एयर इस जगह से घुसती है, अब इसमें स्लॉट चारों तरफ होते हैं, और वो एकदम तेज़ी से ऊपर आती है, और इसमें ये जो पार्ट होता है ये अंदर से हॉलो होता है, तो इसमें चारों तरफ फैल जाती है, और फैलने के बाद मीन्स बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती है, बेसिकली मिक्सचर है, और मिक्स होके इन छोटे छोटे होल से मिक्सचर बाहर निकलता है, जब मिक्सचर बाहर निकलता है आप उसको बर्न कर देते हो, जो बर्न कर देते हो आपने क्या किया, जो अमाउंट ऑफ एयर आ रही थी फ्यूल, मतलब बेसिकली आ रहा है फ्यूल प्लस एयर मिक्स होके आया, आपने उसका एरिया बढ़ा दिया, यहाँ क्या है देखो एरिया बहुत छोटा है इसलिए बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा था, यहाँ पे हमने क्या किया, मिक्सचर को इतने इतने सारे छोटे छोटे शेड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जब हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो हमने क्या किया उसकी स्पीड कम कर दी, स्पीड कम कर दी तो साउंड गायब, तो ब्लूइश कलर का फ्लेम अभी भी होगा बिकॉज मिक्सचर इज़ वेरी गुड क्वालिटी, बट उसमें आवाज़ गायब हो जाएगी, इसलिए घर में जब आप एलपीजी गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं या जलाते हैं बर्नर को तो ब्लूइश फ्लेम होते हैं बिकॉज मिक्सचर इज़ वेरी गुड, मिक्सचर इज़ गुड मीन्स सफिशेंट ऑक्सीजन इज़ देयर एंड लॉट ऑफ होल्स, एक होल की जगह नंबर ऑफ होल्स, वी हैव रिड्यूस द साउंड, क्लियर, ओके। बट एक चीज़ आपने नोट की होगी, घर में बहुत बार ना एलपीजी जो गैस भी है ना कभी कभी येलोइश इसमें शूट्स आप देखेंगे आते हैं, कभी कभी बर्तन काले होने लगते हैं, क्यों होने लगते हैं, क्योंकि यहाँ से जो आपकी जो गैस निकल रही है तो ये जो एयर है, एयर के वेंट्स ये जो है थोड़े थोड़े चोक हो जाते हैं, तो इसको आपको बहुत बार आती है, ये क्लीन करने पड़ते हैं, और जब क्लीन करते हैं क्योंकि कभी कभी आपका दूध निकल गया, कुछ निकल गया, वो यहाँ आके बैठ जाता है, तो आपकी ओपनिंग कम हो जाती है, आपको रोज़ रोज़ रेगुलेट करने की जरूरत नहीं है, सफिशेंट ओपनिंग, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, राइट। तो एलपीजी गैस में भी क्या होता है, बेसिकली आपकी जो एलपीजी गैस में क्या होता है, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस में वो भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स आर फ्यूल, तो एलपीजी इज़ अ फ्यूल, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, इसके अंदर इस फ्यूल के अंदर नाइट्रोजन और सल्फर के भी ट्रेसेस होते हैं, मीन्स बहुत कम परसेंट में नाइट्रोजन और सल्फर भी होता है। अब देखो हमने इस एलपीजी को जब जलाते हैं तो क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन्स तो जल रहे हैं, उससे CO2 H2O हीट और लाइट तो प्रोड्यूस हो रही है, पर नाइट्रोजन और सल्फर भी जब बर्न होते हैं, ये दोनों बर्न होंगे भाई, कोई भी चीज़ को जला रहे हो तो क्या बनाएगा, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड के कंपाउंड, नॉक्स बोलते हैं, N2O हो सकता है, N2O5 हो सकता है, तो डिफरेंट टाइप दैट इज कॉल्ड नॉक्स। सल्फर बर्न होगे तो इट विल फॉर्म्स SO2 SO3 डिफरेंट, मीन्स सॉक्स एक्स की नंबर चेंज होता रहता है, जिसको बोलते हैं सॉक्स। तो ये दोनों भी बर्न होते हैं, नॉक्स एंड सॉक्स, और ये जो नॉक्स एंड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और सल्फर ऑक्साइड्स, दे आर नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट, तो वी आर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ पोल्यूशन। तो जब भी आप घर में एलपीजी जलाते हैं तो ध्यान रखें कि आपकी वेंटिलेशन अच्छा हो, क्योंकि अदरवाइज ये नॉक्स एंड सॉक्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। एक चीज़ और होती है, जब हमारा फ्लेम बहुत अच्छा जल रहा है ब्लू, तो वी से इट इज़ सैचुरेटेड, जनरली अ क्लीन फ्यूल, सैचुरेटेड मीन्स सेटिस्फाइड है, जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी मिल रही है, दैट इज़ वाई इट इज़ ब्लूइश इन कलर। और जो अनसेचुरेटेड होगा उसमें क्या होगा, और येलोइश फ्लेम विद लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक, क्योंकि उसमें एयर की कमी है, एयर की कमी है तो अनबर्न कार्बन आ ही रहा है, ठीक है। तो इसमें भी हम बहुत बार सैचुरेटेड फ्लेम या अनसेचुरेटेड फ्लेम यूज़ करते हैं, या क्लीन फ्लेम या येलोइश फ्लेम वर्ड का हम यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ कंबशन, जब कार्बन कंपाउंड्स को हम बर्न करते हैं तो उसमें एक और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो अभी तक हमने पढ़े, उसके अलावा क्या होता है, वाई डज सब्सटेंसेस बर्न विद और विदाउट फ्लेम। बहुत बार आप देखेंगे कि कार्बन या कार्बन के कंपाउंड जलते रहे तो कोई फ्लेम प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, जस्ट यू आर गेटिंग हीट एंड लाइट, ऐसा कैसे हो रहा होता है। जैसे आपने एग्जाम्पल, जब आपने घर में अंगीठी जलाते हैं तो शुरू में तो धुआं हुआ निकलता है, राइट, क्योंकि अनबर्न कार्बन जल रही होती है वो निकल रही है, बहुत सारी गैसेज इसमें से होती हैं वो निकल जाती हैं। एक बार जब सब गैसेज निकल जाती हैं
तो आप देखो कि ना तो कोई धुआं निकल रहा है, ना कोई फ्लेम है, बस ये रेड हो रखे हैं और लॉट ऑफ लाइट इज़ देयर, और आपकी अंगीठी जलती रहती है बहुत बढ़िया। होता है कि नहीं होता है? तो ऐसा कैसे हो रहा होता है? ये ऐसा इसलिए हो रहा होता है, दिस इज़ बिकॉज फ्लेम इज़ ओनली प्रोड्यूस व्हेन गैसियस सब्सटेंस बर्न। जब इन कोयले के अंदर, जब इसके अंदर कोयले के अंदर क्या होता है, गैस होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ गैस, वो जब गर्म होता है तो उसमें से वो एवोपरेट होती है, बाहर निकलती है, और जब वो एवोपरेट होगी तो लपटे हैं वो गैस ऊपर निकलेगी, तो और जलने वाली गैसेज होती हैं, चारों तरफ हवा है, जैसी हवा में आती हैं तो वो जलना शुरू करती हैं, इसलिए आपको क्या दिखते हैं, फ्लेम्स दिखते हैं। बहुत बार आपने लकड़ी देखी होगी, यदि आप किसी लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें से ना ऐसे करके लिक्विड सा बाहर आता रहता है, और फिर वो लिक्विड एवोपरेट होता है तो फ्लेम्स जनरेट होते हैं। देखा नहीं? देखा नहीं? देखा तो एक बार किसी लकड़ी को जला के देखो, राइट। बहुत बार सूखी लकड़ी के अंदर भी यू हैव लॉट ऑफ मॉइस्चर भी होता है या अदर गैसेज भी होते हैं, और वो क्या होते हैं, कार्बन या कार्बन के कंपाउंड्स, या कोई नॉट नेसेसरी कार्बन का, बट कोई गैस और डिफरेंट टाइप की, पर वो होती है फ्यूल फॉर्म में, और जैसे ही उससे बाहर निकलती है, इनसे बाहर आएगी, क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिलती है, ट्राइंगल, फायर ट्राइंगल कंप्लीट हुआ, बाहर फ्लेम है ही, तो फट से उसने आग पकड़ ली, आग पकड़ ली तो वी हैव वाइट कलर के या येलोइश कलर के फ्लेम चलते हैं, या ब्लूइश कलर के फ्लेम चलते हैं। ओके, दूसरा क्या होता है, व्हेन वुड और चारकोल इज इग्नाइटेड, लकड़ी या चारकोल जब इग्नाइट करते हैं, जलाते हैं, द वॉलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट वेपोराइज एंड बर्न्स विद अ फ्लेम इन द बिगनिंग, एंड दैट इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग, कि वो जो वॉलेटाइल मटेरियल हो, मॉइस्चर टाइप की चीज़, बुलबुले बुड़बुड़ करके आप निकलते हैं, ध्यान से देखेंगे, तो दैट वॉलेटाइल मटीरियल, वॉलेटाइल मटीरियल मीन्स जिस चीज़ को जब हम गर्म करते हैं तो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, वेपोराइज हो जाता है, तो जो गर्म करने पर वेपर बनाते हैं उसको बोलते हैं वॉलेटाइल सब्सटेंस, ठीक है। तो लकड़ी और चारकोल के अंदर होते हैं, वो बाहर निकलते हैं, जैसे ही बाहर निकलेंगे हमने क्या बोला, बाहर एयर है या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने मिक्स होके क्या एक बड़ा अच्छा मिक्सचर बना फ्यूल का और एयर का, वो बर्न हो गया, एंड दैट इज़ वाई वी हैव फ्लेम। और ये शुरू शुरू में रहते हैं, बाद में क्योंकि वो निकलने सारे के सारे उड़ जाते हैं तो फिर कोई बचता नहीं है, इसलिए क्या होता है, खाली हमको कोई फ्लेम नहीं दिख रहा होता, खाली लाइट और हीट होती है। अ ल्यूमिनस फ्लेम इज सीन व्हेन द एटम्स ऑफ गैसियस सब्सटेंस आर हीटेड एंड स्टार्ट्स टू ग्लो। और ये अब क्यों फ्लेम नहीं दिख रहा है, क्यों लाइट दिख रही है, क्योंकि अब कार्बन के इंडिविजुअल एटम्स बर्न हो रहे हैं एटॉमिक लेवल पे, वो आपको यहाँ अलग अलग नहीं दिख रहे हैं, पर ये जो इतना ग्लोइश हो रहा था ना, ग्लो हो रहा है लाइट, ये चमक रही है, वो क्यों हो रही है, कि एटम लेवल पे कार्बन के जो एटम्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो रहे हैं और बर्न हो रहे हैं। तो एटॉमिक लेवल पे जब ये बर्न होते हैं तो इट स्टार्ट्स ग्लोइंग एंड इट्स प्रोड्यूस लॉट ऑफ हीट, इसलिए अंगीठी बाद में बहुत देर तक जलती है, सुलगती रहती है, राइट। द कलर प्रोड्यूस बाय ईच एलिमेंट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट, हर एलिमेंट, कार्बन जल रहा है तो येलोइश फ्लेम दे रहा है, किसी और चीज़ को आप जलाओगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो येलोइश कलर दे। जब एटॉमिक लेवल पे जब बर्न होता है तो फ्लेम का जो कलर है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके एलिमेंट पे। जैसे मीथेन के अंदर है, मीथेन के अंदर कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, और जब वो बर्न हो रहे होते हैं सो दैट इज़ वाई उसका फ्लेम का कलर डिफरेंट होता है, ठीक है, ये चीज़ हमको ध्यान रखें। तो सो दीज आर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कोई ज़रूरी नहीं है कि फ्लेम ही निकलेगा तभी हीट प्रोड्यूस हो, लाइट प्रोड्यूस हो या हीट प्रोड्यूस। ओके, देन फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम, ये जो फ्यूल है हम जिसको हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, ये कहाँ से आते हैं, कैसे प्रोड्यूस हुए, हम जस्ट रफली ऊपर से समझ लेते हैं, बेसिक्स ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो कोल कैसे प्रोड्यूस होता है, कोल इज़ फॉर्म फ्रॉम द बायोमास। बायोमास मीन्स जो हमारा डे टू डे लाइफ में जिस काउ डंग हुआ, पेड़ पौधे हुए, ये सारी चीज़ें हुई, विच हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू वेरियस बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल प्रोसेस, जिसके अंदर बहुत सारे ना कीटाणु वगैरह होते हैं, पेड़ पौधों में भी होते हैं, जो काउडंक वगैरह होता है इनमें भी होते हैं, तो दीज आर बायोलॉजिकल थिंग। सो वो एक मास हुआ जिसमें बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रही होती हैं। अब क्या हुआ, ओवर द ईयर्स कोल इज़ अ रिमेन ऑफ ट्रीज, फर्न्स एंड अदर प्लांट दैट लिव मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो बहुत सारे जंगल थे, पेड़ पौधे थे, वो सब क्या हुए, मिट्टी के नीचे दब गए। जब नीचे दब गए तो उसके अंदर डिफरेंट फंगस और डिफरेंट बैक्टीरियाज ने उनको खाना शुरू किया। ऊपर से ज़मीन के अंदर दबे हुए तो हाई प्रेशर था, तो हाई प्रेशर में कब क्या हुए, कन्वर्ट होते गए बायोलॉजिकली एंड अल्टीमेटली दे फॉर्म कोल। कोल में वो कन्वर्ट हो गए, कार्बन बन गए। तो यदि आप किसी चीज़ को ज़मीन में दबाते हो, हज़ारों साल तक दबे रहे, तो इट प्रोड्यूस कोल। तो किससे हुआ, ज़्यादातर पेड़ पौधे, झाड़ झंकड़, जो फर्न्स होते हैं या अदर प्लांट्स, उनसे हो जाता है।
Whereas oil or gas कहाँ से बनती है? Oil or gas are the remains of millions of tiny plants and animals that lives in sea. जो समुद्र के अंदर छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, बहुत सारे मछलियाँ वगैरह होती हैं, जानवर होते हैं, राइट? वो सब भी जब मर जाते हैं या धीरे धीरे ना ऊपर से मिट्टी आती है और उनको उनको नीचे दबाती जाती है और लेयर बाय लेयर बाय लेयर बनती जाती है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, वो सारे टाइनी प्लांट्स या मरे हुए जानवर सब उस मिट्टी के अंदर दबते जाते हैं एज अ रिजल्ट ओवर द ईयर्स। और फिर क्या है, ये पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, तो इसमें बैक्टीरिया तो लगेगा, तो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, वो बैक्टीरिया उस पर अटैक करता है डेड एनिमल्स को या डेड चीज़ को प्लांट पे, एंड टर्न देम इनटू ऑयल एंड गैस में कन्वर्ट कर देता है अंडर हाई प्रेशर, क्योंकि पानी का इतना दबाव होता है ना ऊपर से कि वो उसको प्रेशराइज कर देता है। एंड मीनवाइल जो जो ऊपर जो सिल्ट जो गाद या जो ऊपर से डस्ट सेटल हो रही होती है ना चिकनी मिट्टी टाइप की, वो धीरे धीरे दैट इज़ कॉल्ड सिल्ट, और सिल्ट जो है जमती जाती है और वो सॉलिडिफाइड होती जाती है, क्योंकि उसके ऊपर ही प्रेशर पड़ रहा है पानी का, और पानी होते होते वो इतनी कंप्रेस होकर सॉलिड एक रॉक में बन जाती है, राइट? चूना पत्थर बोलते हैं ना, तो बस समझ लो वैसा ही है, चूना पत्थर क्या है, धीरे धीरे कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम जो हार्डनेस होती है पानी में वो नीचे इकट्ठी होती जाती है। आप बहुत बार आप बर्तनों को रख दो उसमें हार्ड वाटर है, यदि आपके यहाँ पे आता है बोलते हैं ना हार्ड पानी है, काफ़ी हार्ड पानी मीन्स क्या होता है, उसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कार्बोनेट से क्लोराइड्स वगैरह होते हैं, और धीरे धीरे आप देखोगे वाइट वाइट कलर की एक लेयर से आ जाती है पानी में, तो वो क्या चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे नीचे सेटल हो गए ड्यू टू ग्रेविटी। अब समुद्र में क्योंकि लेवल ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होता है तो उसका पानी का खुद का ही प्रेशर होता है, तो प्रेशर जो है इन सारी जो जो मिनरल्स हैं डिफरेंट मिनरल्स हैं या डस्ट थी उसको सबको दबा देता है उस गाद को दैट इज़ कॉल्ड सिल्ट, और दबा के सॉलिड रॉक में कन्वर्ट कर देता है। ऊपर से उसने किस चीज़ को दबा दिया, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे थे उनको दबा दिया, पेड़ पौधों पे अटैक बैक्टीरिया ने किया, उसने उसको ऑयल एंड गैस में कन्वर्ट किया। अब ऑयल और गैस बाहर निकलने की कोशिश करेगी पर कहाँ जाएगी, ऊपर तो उसके पत्थर बन गए, जो मिट्टी थी वो पत्थर फॉर्म में बन गई, और एज अ रिजल्ट क्या होता है, वो पत्थर कैसे बनते हैं, पोरस, तो पत्थरों के बीच में मीन्स उस मिट्टी के बीच में क्या पेड़ पौधे हैं सब ऑयल और गैस के अंदर कन्वर्ट हो गए, तो पत्थर क्या होते हैं, पोरस होते हैं, पोरस मीन्स उनमें छोटे 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 बहुत छेद होते हैं, और हर छेद के अंदर क्या होता है कि ये ऑयल और गैस फंस जाती है, राइट? और उस दैट मीन फंस गई मीन्स गॉट ट्रैप्ड लाइक वाटर इन स्पॉन्ज, जैसे स्पॉन्ज होता है आपके घर में, आप स्पॉन्ज को पानी में डुबो तो आपको बाहर से यदि देखोगे तो आपको स्पॉन्ज ही दिखेगा, पानी नहीं दिखेगा, पर जब उसको स्क्वीज करोगे तो पानी बाहर आएगा। तो एग्जैक्टली सेम वे में जो डीप सी माइनिंग होती है या डीप सी ड्रिलिंग होती है, ड्रिलिंग करते हैं हम, और राइट, ड्रिल करके उन रॉक्स में छेद करते हैं और वहाँ से जैसे ही उसको पाइप मिलता है तो तेज़ी से ना ऑयल और गैस बाहर आती है। तो इसलिए अब ज़्यादातर ऑयल और गैस कहाँ मिलती है हमको, सी में मिलता है। पर बहुत जगह हमको ऑयल एंड गैस सबसे पहले कहाँ मिला हमको, सऊदी अरेबिया साइड में मिला या अमेरिका में मिला, कहाँ मिला, सी में नहीं मिला हमको, लैंड पे मिला, राइट? अब हम भी हम तो यहाँ पढ़ क्या रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि टाइनी प्लांट्स और एनिमल्स जो भी सी के अंदर धीरे धीरे दबते रहे, ऊपर से उसमें सिल्ट आती रही, वो रॉक में कन्वर्ट हो गई, रॉक के बीच में ये जो फंस गए वो कन्वर्ट हो गए ऑयल एंड गैस में, क्यों हो गए, बैक्टीरिया ने उसको अटैक किया अंडर हाई प्रेशर, और लाइक स्पॉन्ज में जैसे वाटर फंस जाता है वैसे ही ऑयल गए। पर लैंड में क्या हुआ, लैंड में तो हम ये बोल रहे हैं कि पेड़ पौधे से कोयला बन गया, एक डिफरेंस है, जब ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है आप मिट्टी के अंदर दबा दो पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है सो दे कन्वर्ट टू कोल, पर अंडर हाई प्रेशर वो लिक्विडिफाइड हो जाते हैं बैक्टीरिया और ये गैसीफाइड हो जाते हैं, तो बैक्टीरिया तो अभी भी अटैक कर रहा है दोनों केस में, बट वो कन्वर्ट किस कन में करता है, ऑयल एंड गैस में, वेयर एज जब कम प्रेशर होता है दे फॉर्म अ सॉलिड थिंग कॉल्ड कोल, क्लियर? सो लेट्स मूव फर्दर